हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा आर्ट एंड क्राफ्ट लेके आया हूँ और इस आर्ट एंड क्राफ्ट को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है। आपको चाहिए ऐसे कुछ घर में पड़े हो ब्लैक कलर के चार्ट पेपर और दूसरा ग्लू। तो ये ग्लू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सफ़ेदी वाला ग्लू है, ये सस्ते में ज़्यादा क्वान्टिटी में आ जाता है और ये वर्क भी बहुत अच्छा करता है। तो आप लोग अगर कहीं पुताई वाली दुकान पे या हार्डवेयर की दुकान पे जाकर के लेना चाहोगे तो आपको ये ग्लू वहाँ पे मिल जाएगा। उनको बस इतना बोलना होगा कि ये पुताई वाला मेरे को ग्लू चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये पेड़ बनाने के लिए आपको ये चाहिए ब्लैक कलर का चार्ट पेपर और एक ये पेंसिल। इस पेंसिल की हेल्प से सबसे पहले हम लोग पेड़ के नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि वो नीचे से मोटा होता है और ऊपर की तरफ ऐसे पतला होता जाता है। तो हम नीचे के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे चौड़ा सा, जो आगे की तरफ जाते जाते नैरो होता जाएगा। तो मेरे पास में काफ़ी सारे वेस्टेज सीट हैं, आप इसमें देख सकते होगे मैं नैरो आगे करता जा रहा हूँ। मेरे पास में टुकड़ों में काफ़ी सारे वेस्टेज सीट हैं, तो मैं इसके ऊपर में अभी ये आपको पूरा पेड़ ड्रॉ करके फिर आपको आगे की वीडियो में इसका प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप अपना ट्री कितना लंबा रखना चाहते हो। फिलहाल तो मैं इसकी हाइट इतनी रख रहा हूँ, ज़्यादा लंबी हाइट नहीं कर रहा, मैं इसकी हाइट यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए, अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं, फिर बाकी की कटिंग हम लोग करते रहेंगे। एक चीज़ हमेशा दोस्तों, मेरी बात का ध्यान रखना, आपके घर में पड़ा हुआ कोई भी चार्ट पेपर, कोई भी पेपर वेस्ट नहीं है। अगर आप उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहो, बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो और अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, तो कोई भी पेपर फेंकने से पहले दो बार सोचना कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसा कि आप मेरे पास में देख रहे होंगे, काफ़ी सारे टुकड़ों में ये चार्ट पेपर है। तो मैंने इससे पहले एक आर्ट किया था जिसमें मैंने इसको काटा था, तो ये काफ़ी सारे छोटे छोटे पीस बच गए थे मेरे पास, तो मैंने फेंका नहीं। और जैसा कि आप ये देख रहे हो, छोटे छोटे पीस मेरे हाथ में बच रहे हैं, ये भी वेस्ट नहीं है। अभी मैं इनका भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इनको फेंकना नहीं, साइड में रखे रखिएगा आप भी। ये मेरा नीचे का पार्ट तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर का हम बना रहे हैं। और दूसरा, इसकी कटिंग में आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन में कटिंग नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पेड़ जो होता है कभी भी वो एक सीधाई में नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बीच में से ऐसे ऐसे होता है। तो आप इसको जैसे मर्जी वैसे काट सकते हो, कोई लाइन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी आता है तो ये भी परफेक्ट है, क्योंकि हम पेड़ टेढ़े मेढ़े ही होते हैं, कोई सीधा पेड़ नहीं होता। सफ़ेदे का पेड़ थोड़ी बना। और जैसा कि आप सभी जानते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी स्पेशलिटीज़ है, तो बने रहिए आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी नई नई वीडियो, नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट देखने के लिए। ये मैंने दोस्तों इसकी कटिंग कर ली। मेरे पेड़ की टोटल हाइट जो है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने इसकी टोटल हाइट कितनी करी है। ये मेरा ऊपर का, सबसे ऊपर का पार्ट रहेगा, इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करूँगा, देन इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो ये टोटल काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जब वॉल पे चिपकेगा तब आपको परफेक्टली दिख जाएगा। तो ये हमने पेड़ का तना बना लिया है।
अब पेड़ होता है तो तने के साथ साथ उसमें स्टेम्स भी होती हैं, तो स्टेम्स हम लोग कैसे बनाएंगे? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पेपर हमने इसके साइड साइड से काट के निकाला था उसको फेंकना नहीं था, मैंने आपको बताया था, तो उसी पेपर को हम यूज़ करेंगे। तो जो ये देखा था आपने छोटे छोटे बच गए थे, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये मेरे इस तरह में देखना ये कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इसको थोड़ा सा शार्क मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूँ जिससे ये पेड़ सीधा ना लगे। जैसे कि कोई भी स्टेम सीधी नहीं होती हैं, उसी प्रकार। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसमें कोई भी पार्ट कोई भी पेपर वेस्ट नहीं जाएगा, आपका एक कतरा भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास में ये पतला सा है, इसका भी यूज है, वीडियो में बने रहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक स्टेम मेरी बन गई है, ये दूसरी स्टेम्स बन गई हैं, ठीक। इन सब चीज़ों को साइड रखिए, एक पेड़ में कई सारे स्टेम होते हैं, हमको वैसे कई सारे छोटे छोटे कटिंग अलग से करनी होगी, तो मैं वो सारी कटिंग्स कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि पेड़ की कोई भी स्टेम सीधी नहीं होती, तो आपको उसमें से कुछ स्टेम्स के लिए ऐसे टेढ़े मेढ़े गोल टाइप में कटिंग करनी होगी जिससे कि उसको ओरिजिनल फील आएगा देखने में। तो मैंने ये एक टेढ़ा सा काटा, मैं इसी को कई सारे इसमें से टेढ़े मेढ़े ऐसे काट लेता हूँ थोड़े से राउंड शेप में। और जब आप ये राउंड शेप कटिंग करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, जो इसका एंड पार्ट होगा वो आगे जाके ऐसे हल्का सा नुकीला हो जाएगा, जैसा हर पेड़ का होता है, स्टेम आगे से पतला हो जाता है। तो ऐसे ही हम और सारी कटिंग कर रहे हैं, कई सारी कटिंग हम कर लेते हैं क्योंकि हमें पूरे स्टेम में कई सारे बनाने हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने पूरे पेड़ के लिए इसके स्टेम्स ब्रांचेस सब कुछ अलग अलग हिस्से में कटिंग करके अपने टेबल पे रख लिया है। अब इसको हमें एक सीक्वेंस में अच्छे से पेस्ट करना है जिससे देखने में काफ़ी अच्छा लगे। अब मैं आपको वो पेस्टिंग का तरीका भी बताने जा रहा हूँ, आगे देखते रहिए आप। देख रहे होंगे मैंने इसके अंदर में छोटे छोटे जो पेपर्स थे उसको यूज करके इनके ब्रांचेस बनाए हैं। ऐसे आप भी याद रखना, कोई भी पेपर इसमें वेस्ट नहीं है। और भी मेरे पास में काफी सारा पेपर है, तो ये काफी मेरे हिसाब से क्रिएट हो चुका है। फिलहाल तो मैंने ये पेड़ बना दिया है, अब कल मैं इसके अंदर में अपनी अगली वीडियो के अंदर में इसके ऊपर में लीव्स लगाना भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हो मैंने अभी ये पेड़ बनाया है, बाकी का मैं इसका स्ट्रक्चर अपनी अगले नेक्स्ट वीडियो में इसमें लीव्स लगाना आपको बताऊंगा कि इसमें आप लोग लीव्स बना के कैसे लगा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। और दोस्तों याद रखना, आप लोगों के लाइक और शेयर से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है जिससे मेरे को हिम्मत मिलती है मैं आप लोगों के लिए नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट लेके आ पाऊँ। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।